Hey y'all, come look at this. हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। आज का हमारा फैम पिक पर आपको पता है फैम पे कितना सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप टीवी सब फेस कर रहे हैं। फैम पे यूपीआई प्रॉब्लम, लोकेशन प्रॉब्लम, फैम पे में स्कैन एंड पे नहीं हो रहा है और इसके साथ ही साथ फैम पे में जो स्पिन थी वो भी गायब हो जा रही है। तो फैम पे में कुछ नए ऑफर्स भी नहीं आ रहे, तो इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए कई सारी टीवी से उन्होंने सोचा कि हम अपने फैम पे अकाउंट को डिलीट कैसे करो, नया अकाउंट क्रिएट करते हैं या फिर दूसरे ऐप को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस लाया कि हम अपने फैम पे अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आगे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आपको सिंपली से अपने फैम पे ऐप को ओपन करना है। ठीक है, फैम पे ऐप को ओपन करने के बाद आपको इसका इंटरफेस कुछ रिश्ता हो शो होगा। डिफ़ॉल्ट अकाउंट एंड स्कैन पे लेफ्ट साइड राइट साइड आपकी प्रोफाइल शो होगी। तो सिंपली से आपको राइट साइड में प्रोफाइल पर क्लिक करना है। राइट साइड प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्वाइप करना है और नीचे नीड हेल्प का ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको। ठीक है, नीड हेल्प तो रिजॉल्व योर क्वेरीज, नीड हेल्प पर क्लिक करेंगे। नीड हेल्प पर क्लिक करने के बाद देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, फैम कार्ड, ट्रांजैक्शन, फैमिली, गेटिंग स्टार्टेड, प्रोफाइल, केवाईसी, क्लब। तो आपको सिंपली से प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद सिंपली से अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको जो जो इशू आ रहा है सबसे नीचे आई आई वॉन्ट टू क्लोज माई फैम पे अकाउंट, हाउ कैन आई डू इट, इस पर क्लिक करेंगे। और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, टू बी एलिजिबल फॉर डिलीटिंग योर फैम पे अकाउंट प्लीज़ चेक द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस शुड बी लेस देन पी वन। मतलब आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं होना चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ योर सेविंग इन द ऐप शुड बी लेस देन रुपये वन, एक रुपये से कम होना चाहिए, मीन्स जीरो रुपये होने चाहिए आपके फैम पे अकाउंट में। वी विल रिसीव एन ईमेल विद द डिटेल्स मेंशन बिलो, रजिस्टर्ड फोन नंबर, फुल नेम ऑफ द यूज़र, अकाउंट क्लोजर रीजन, योर अकाउंट विल क्लोज बाय इज विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सब पढ़ लिया। आप सिंपली से ईमेल अस पर क्लिक करेंगे। ईमेल अस पर क्लिक करने के बाद आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका नंबर, इशू विद अकाउंट, डिस्क्राइब योर क्वेरीज हेयर। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए आप अपने अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हो, तो वो इशू लिखोगे। आप केवाईसी में प्रॉब्लम है, फैम कार्ड के थ्रू पेमेंट है, आप स्टे विद द स्ट्रीक में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कम्युनिटी, आपको कम्युनिटी में रिप्लाई नहीं आता है, तो पेमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, केवाईसी, या फिर अकाउंट, जो भी एरर आ रहा है आपको ए टू जेड इसमें से चूज़ कर लेंगे। जैसे मोस्टली लोगों को केवाईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके बाद लिखना कैसे, फॉर्मेट क्या होगा, पहले डियर लिखोगे, डियर फैम पे टीम, डियर फैम पे टीम स्टार्टिंग में रहेगा। मैं आपको पूरा लिख के नहीं बताऊंगा आपका इशू क्या है। उसके बाद अपना नाम लिखोगे, मी शिवम, आई एम फेसिंग दिस इशू। दिस इशू का मतलब जो भी आपको इशू हो रहा हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, आप इशू लिखोगे। उसके बाद जैसे आपके कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिखने के बाद आपको नीचे स्वाइप करना है और नीचे रिगार्ड्स लिखना है, रिगार्ड्स, और अपना नाम रिगार्ड्स शिवम। तो फॉर्मेट आपका बिल्कुल इसी तरह रहेगा, ऊपर डियर लिखेंगे रिस्पेक्ट के साथ और उसके नीचे रिगार्ड्स लिखेंगे। उसके बाद आपको जो भी एरर आ रहा है, जो भी आपको एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट चूज़ करें अपनी गैलरी से। मैं उसका स्क्रीनशॉट चूज़ करूँगा। तो जैसे मुझे कोई भी, वैसे मैंने अकाउंट डिलीट नहीं करना है, तो मैंने किसी कोई भी अकाउंट डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सबमिट करना है और 48 घंटों के अंदर आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब नंबर। चलिए, बाय।